दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को अंत तक देखकर जाएंगे और एक नई ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जियो का 84 दिन का बहुत ही तगड़ा प्लान आया है जिसको आप जानते होंगे, लेकिन जानबूझकर आप जो है गलत काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों जियो का 84 दिन का एक प्लान आता है 719 रुपये का, ध्यान समझिएगा, आगे तक वीडियो को देखिएगा। जियो का 719 रुपये का आता है 84 दिन का प्लान, जिसमें आपको 2 GB डाटा डेली मिलता है, अनलिमिटेड कॉल मिलती है, 100 SMS पर डे मिलता है, और इसमें आपको जियो टीवी, जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन आदि मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 719 रुपये का एक प्लान जो आता है बहुत सारे यूजर्स नहीं कराते हैं जो मेरे दुकान पे आते हैं। वो क्या करते हैं कि 239 रुपये का एक प्लान कराते हैं। मैं मानता हूँ कि इनके पास पैसे की शॉर्टेजी होगी, मगर जो 239 का प्लान आता है, कैलकुलेट कर जरा आप सोचिएगा, क्या अभी जानते हैं, क्या कभी आपने कैलकुलेट किया है, जो 239 रुपये का प्लान आता है 1.5 GB डाटा डेली का, अनलिमिटेड कॉल का, इसे यदि आप कैलकुलेट करते हैं 240 के हिसाब से ही, तो 240 तिया कितना हुआ आपको पता है, 2 तिया 600, यानी 720 रुपये आपका आ गया। ठीक है, 720 रुपये आपका खर्च आ गया 84 दिन के प्लान का। लेकिन यहीं पे 719 रुपये का एक कंपनी, वही कंपनी आपको देती है जिसमें आपका 0.5 GB डाटा डेली बढ़ जाएगा। ऐसे कस्टमर होते हैं जो 239 का रिचार्ज कराते हैं और डाटा खत्म होने के बाद बीच में 15 रुपये का डाटा जो लेते हैं, तकरीबन बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, तो 15 रुपये में 1 GB डाटा मिलता था। यहीं पे कैलकुलेट करते हैं तो 719 रुपये में ही, उतने ही पैसे में आप 3 महीने का यदि खर्च करते हैं तो आपको 84 दिन की वैलिडिटी और डाटा आपका 0.5 GB बढ़ जाता है, जो बेनिफिट्स देता है। दोस्तों इसके बाद भी एक और प्लान है जिसको हम बोल सकते हैं कि आप मूर्खता करते हैं, जैसे कि 299 का जो प्लान आता है, इसमें 2 GB डाटा डेली मिलता है, आपको पता है। तो 299 रुपये का जो 2 GB डाटा आपको मिलता है, ये 28 दिन के लिए मिलता है, तो इसे यदि आप 300 रुपये के हिसाब से या 299 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आपका 897 रुपये आता है, 897 रुपये आता है। लेकिन वही कंपनी आपको 84 दिन के लिए 719 में देती है, यानी 178 रुपये का आपका बचत होता है। तो कुल मिला जुला कर आप मेरी बात को समझ चुके हैं कि कंपनी जो है आपसे 3 महीने का जो रिचार्ज करवाता है 719 वाला, वो बहुत ही बेस्ट पड़ने वाला है, जितने भी रिचार्ज प्लान आते हैं उससे सबसे बेस्ट पड़ने वाला है। यदि आपको भी लगता है कि आपका 239 का रिचार्ज प्लान है तो मुझे 1.5 GB डाटा चाहिए, तो आप 666 रुपये के प्लान की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कितने की आपकी बचत हो रही है, यानी 666 चार, यानी आपका 34 रुपये है, और उसके बाद उधर कर देते हैं आपका 20 रुपये, यानी 20, 30, 50, 54 रुपये की आपकी बचत हो जाती है आसानी से, यदि आप 666 का प्लान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश किया, तो वीडियो को लाइक करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं कैलकुलेट की भाषा, कि कंपनी आपसे क्या चाहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।